अभी रांची स्टेशन में हूँ एंड इस वाले व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं रांची से दिल्ली इन राजधानी एक्सप्रेस फर्स्ट क्लास। एंड अभी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं रांची में, तो एक आए थे अभी दानिश नाम के, एंड हाँ उनसे मेरे को मिलके काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरे साथ अभी ये हैं, आपका नाम? रिंकू बैठा। रिंकू जी हैं मेरे साथ, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो इनका चैनल में देख रहा था इनको पेमेंट आएगी इस महीने, तो काफ़ी खुश हैं। एंड इनको पहले भी पेमेंट आई थी $127 की आई। मैंने इनको इनका चैनल देखा एंड मुझे लगा कि मैंने इनको बोला कि इस पर आप मेहनत करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। हाँ ये भी ब्लॉग बनाते हैं, तो बस ऐसे मैं बैठा था अभी यहाँ पे, तो भाई से आके मिला, इनसे बातें कर रहा हूँ एंड उनको जान के काफी अच्छा लगा है। खाना आना खा रहे हैं आराम से। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आपका इतना सब्सक्राइबर है ना, तो देख के मोटिवेशन मिला हमको कि हम भी एक दिन आने वाले टाइम में इतना सब्सक्राइबर गेम करेंगे बोल के। आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, और आपका जो बॉडी उडी है ना बात ही अलग है, मतलब देखने के लिए भी नहीं मिलता है हम लोग के गांव तरफ, तो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। बस मैंने इनका चैनल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इन पे बहुत पोटेंशियल है। तुम्हारा ट्रेन जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और अभी बस मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ एंड यहीं पे आएगी ट्रेन। इतना कमाल का मौसम है आज रांची का, बारिश हो रही है, ठंडा सा है। गाइस अगर व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कान के अच्छा लगेगा। मैं जमशेदपुर से आ रहा हूँ, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उनको पता होगा कि मैं जमशेदपुर में था। अंदर जाके बात करते हैं प्राइस की, कितने घंटे लगेंगे रूट वगैरह या फिर इंटीरियर की। एंड अभी हो रहा है 4:54, तो लगभग एक घंटा बचा है हमको यहाँ से निकलने को। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, सामान रखते हैं इसके अंदर। मेरा कूप है ई, इस बार मुझे कूप मिला है, ये अच्छी बात है। एसी ऑलरेडी चल रहा है ट्रेन के अंदर, हमारी सीट है ई में लोअर, तो भाई साहब सोने पे सुहागा हुआ है आज। और हाँ काफी बढ़िया लग रहा है इंटीरियर, काफी साफ लग रही है ये ट्रेन, पर्दे अर्दे काफी बढ़िया लग रहे हैं। तो देखते हैं भाई एक एक करके क्या क्या है। सबसे अट्रैक्टिव मुझे ये पर्दे लगे, टेबल वगैरह दिया है काम करने के लिए, खाने के लिए डस्टबिन वहाँ पे दिया है, और यहाँ पे पिलोज भी काफी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं, सीट्स भी काफी कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह दिए हैं, वहाँ पे बॉटल होल्डर है, एसी कंट्रोलर है, वहाँ पे चेन पुलिंग के लिए है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं दो दो, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स हैं। बात करते हैं प्राइस की, तो मैंने पे किए हैं लगभग अराउंड इसके लिए ₹4,900। आई होप स्नैक भी मिले, डिनर मिलेगा, कल का ब्रेकफास्ट मिलेगा, आई थिंक 3 मील ही इंक्लूडेड होगी, तभी जो है इसका प्राइस लगभग 5,000 है। अगर ज्यादा मील होती इंक्लूडेड तो प्राइस ज्यादा होता। लगभग 17 घंटे लेंगे दिल्ली के लिए, बोकारो स्टील सिटी होके जाएंगे, DDU होके जाएंगे, कल 11 बजे तक हम दिल्ली में होंगे। तो मेरे को लग रहा था कि जो है सीट खाली होगी है ऊपर वाली, पूरी ट्रेन तो खाली है, 7 सीट ऐसी है जो लग। ये है कैबिन 4 सीट वाला, कूप है वो है 2 सीट वाला। तो मुझे एक बार किसी ने कमेंट किया था कि भाई अगर आपको कूप नहीं मिल रहा है और नॉर्मल ये कैबिन मिल रहा है तो फर्स्ट एसी का कोई सेंस नहीं है। कहीं ना कहीं वो जनाब सही भी थे, हालांकि एक डिफरेंस है कि सीट्स काफी ब्रॉड होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक फर्क आता है, सर्विसेज भी बेटर होती हैं, एक प्राइवेसी भी रहती है, डोर बंद हो जाता है, सेफ्टी रहती है, 2-3-4 चीजें हैं, उसके अलावा तो कह सकते हो कि सेकेंड एसी भी मतलब लगभग लगभग सेम ही हो जाता है। हमारा जो अगला स्टॉप है वो है बोकारो, जो कि 112 किलोमीटर दूर है। आपको पता होगा रिसेंटली मतलब 2-3 ब्लॉग्स पहले ही ना मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैश के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी वजह से मैं काफी सारे पैसे अर्न भी करता हूँ, सेव भी करता हूँ ट्रैवल बुकिंग्स करके। हाँ जी, तो मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। देखो गाइस आपको पता है कि अब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ एंड आप लोग ने बहुत बार मेरे एक ही एक कपड़े देखे होंगे, या फिर एक ही एक शूज हो गए, या फिर पैंट हो गई, शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। भाई साहब इतना ट्रैवल करता हूँ, टाइम कैसे निकालू, बाकी खर्चे भी इतने लगे रहते हैं। यहीं पे काम आता है किक कैश। अब जी कैसे काम आता है किक कैश, करता क्या है, जितने भी शॉपिंग वेबसाइट्स है ना उनको एक जगह लाके आपको दिखा देता है। आपको बोट से हेडफोन्स लेने हो, या मैन कंपनी से ग्रूमिंग करनी हो, या लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स आपको परचेज करने हो फ्रॉम मिंत्रा, फिर क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हो, सारी की सारी चीजें ना आपको एक जगह पे किक कैश पे मिल जाएंगी। अब आती है सबसे मेन चीज, मतलब कूपन्स एंड डिस्काउंट्स तो मिलेंगे, ये तो बहुत कॉमन चीज है, इसके साथ साथ आप किक कैश के थ्रू शॉपिंग करने से रियल मनी अर्न कर सकते हो। हाँ जी, इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक,
बस करना क्या है आपको कि कैश ऐप डाउनलोड करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर करो एंड यू आर गुड टू गो। अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ या जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप बोट के स्टोर पे गए एंड आपको जो है कि कैश रीडायरेक्ट कर देगा बोट के वेबसाइट पे, आप परचेज कर सकते हो अपना फेवरेट प्रोडक्ट। तो जैसे ही बोट कंफर्म करेगा इस परचेज को, आपका जो कैशबैक है वो कि कैश वॉलेट में आ जाएगा और आप इसको अपने बैंक में तीन तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर के थ्रू। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करते हो तो उनकी पहली परचेज पे आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो भाई सोच क्या रहे हो, अभी जाओ डाउनलोड करो कि कैश ऐप, रजिस्टर करो एंड कुछ भी शॉपिंग करते हो तो साथ में कमा भी लो, कुछ पैसा लगा रहे हो तो कमा भी लो एंड मेरा कोड यूज करना हर की रथ, यूज करोगे आपको 200 रुपए कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है ना। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। बस निकलते हैं रांची से 10 मिनट में, अंधेरा हो गया इधर तो। ये शीशा ईशा भी लगा है, काफी साफ है और ये बी कूप है तो बी कूप फिलहाल खाली है एंड आई होप खाली रहे। तो बस सिग्नल हो गया है एंड हमारा कोच सबसे पहला है एक्चुअली। स्नैक मिलेगा, ये अभी स्नैक लेकर आएंगे, देखते हैं कैसा रहता है स्नैक। बस कमाल की शाम है, निकलते हैं इधर से। दिस इज द शावर एरिया, शावर पता नहीं मच्छर अंदर ज्यादा है, शावर है ऊपर, देखते हैं चलता है कि नहीं। चलता है भाई चलता है, ये चलता है कि नहीं पता है तो, बट आई थिंक चलता ही होगा, अगर ये चलता है तो ये भी चलता ही होगा। क्या हुआ? हाँ जी जाएंगे, दूसरा दूसरा ट्रेन जाएगा, दूसरा ये नहीं, ये राजधानी। हाँ तो अभी 6:10 हो रहा है, निकल गए हैं फाइनली हम रांची से और ये आई थिंक रीडेवलप कर रहे हैं स्टेशन, आई थिंक बन रहा है फिलहाल। एंड हाँ पहला कोच है हमारा एंड बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत देर के लिए नेटवर्क जाने वाला है बिकॉज जंगलों से होते हुए हम जाएंगे। और भैया हमको चाय देने से पहले अपने आप चाय पी रहे हैं, ठीक है। भैया अपनी इंजॉय कर रहे हैं चाय, हमारे लिए अभी लेके नहीं आए। कोई नहीं भैया दीजिए आराम। तो भैया पानी की बॉटल लाई है। तो गाइस ये हमारा स्नैक आया है, ये स्नैक में कचौड़ी है, ये कुछ सैंडविच है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये कैश्यू नट्स दिए हैं। वैसे ना मॉम के मखाने आते हैं, ये कंपनी काफी बढ़िया है और कैश्यू नट्स भी काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो कुछ डिफरेंट है। ये है भेलपुड़ी, ये है वाइप्स, ये दिया इन्होंने सैनिटाइजर, ये है केचप। दिस इज आवर स्नैक, चाय कॉफी शायद पता नहीं अंदर बना के लाएंगे क्या है, और ये शुगर भी दी है। हालांकि मैं कचौड़ी नॉर्मली नहीं खाता हूँ बट आज ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं कचौड़ी कैसी है। काफी फ्रेश लग रही है, काफी बढ़िया लग रही है। मुझे झारखंड का खाना बहुत पसंद है एंड आई होप ये केटरिंग जो भी कर रहे हो कोई झारखंड के हों, खाना और टेस्टी होगा है ना। अब मुझे लगता नहीं कि हमारा खाना अंदर बन के आएगा, आई डोंट थिंक सो, हो सकता है बन के भी आए, ये लोग लाने में थोड़ी बहुत दिक्कत करें वो पता नहीं। और ये देखो ये सैंडविच की जो पैकिंग की है ना, अलग टाइप की है थोड़ी सी। हाँ ये मेयो सैंडविच है, हाँ ये मेयो सैंडविच और कचौड़ी काफी बढ़िया लग रही है, इसको ट्राई करते हैं आज। तो मैंने ना कचौड़ी में ही ये सॉस डाल दी है, हाँ ट्राई करते हैं एक बार इसको। तो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, टेस्ट भी काफी बढ़िया है, गर्म है, फ्रेश है, 9/10 यार। पता है मेन क्या होता है कचौड़ियों में ना, हार्ड बहुत हो जाती है, ये सॉफ्ट है और टेस्टी काफी लग रही है, रियली गुड। आज चलता है गाइस, कभी कभी चलता है, हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार चलता है, रेगुलर तो मैं खाता नहीं हूँ। और अंदर से दाल ही है, शुगर फ्री है, हाँ ले आइए ना शुगर। पवन जी चल रहे हैं हमारे साथ, हमको तो वैसे पाउचेस मिलते हैं ना, तो अभी ये हम दो डाल रहे हैं गोलियाँ, ठीक। और पानी लेकर आ रहे हैं ना गर्म, पवन जी जा रहे हैं साथ में, देखते हैं भाई पवन जी से बातें करते करते जाएंगे दिल्ली। पवन जी देखिएगा व्लॉग आएगा, आप भी रहेंगे उसमें, ठीक है चलिए। ये जो है ना कैश्यू नट्स, बेसिकली इसको आप कॉफी के साथ लो तो ज्यादा बढ़िया लगेंगे। ए बाय द वे ये भी सैंडविच बढ़िया लग रहा है, तो आप चाहो तो टेस्ट करोगे भी ना तो बढ़िया है, नमकीन भी अच्छा ही है, इसको मैं बाद में खाऊंगा, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। एंड अभी वो लेकर आ रहे हैं गर्म पानी और कॉफी दी है इन्होंने, इंस्टेंट कॉफी, तो ये कॉफी भी काफी बढ़िया है, यही देनी चाहिए क्योंकि ये कॉफी जो होती है ना, मतलब इसका टेस्ट काफी बढ़िया लगता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब ये कॉफी डालोगे ना तो पहले इसको हिला लिया करो ऐसे ऐसे, तो ये जो अंदर की कॉफी है नीचे आ जाएगी और फिर यहाँ पे देखो खोलने का ऑप्शन दिया होता है, ये इसको फिर खोल के डाल लेने का, सेम विद मिल्क पाउडर में बनाता हूँ मैं अपनी कॉफी एंड देन फिर ये डालेंगे गर्म पानी। तो ये भैया का खाना होगा जो मुरी से आया है, तो भैया के कोई रिलेटिव होंगे, उन्होंने आके दे दिया, चलती ट्रेन में दे दिया गाइस, यहाँ स्टॉप नहीं है हमारा। ये मुरी भी जो है ना अराउंड 62 किलोमीटर दूर है रांची से, कोई ट्रेन सर्च करते हो ना जमशेदपुर से रांची की तो मुरी की आ जाएंगी बहुत सारी ट्रेनें, मतलब एज एन ऑल्टरनेटिव, यहाँ स्टॉप भी नहीं है। और वैसे अगर कहीं को रांची आना है तो यहाँ भी उतर सकते हैं। और भैया ने खाना ना ले लिया अपना, ठीक है ना, खाना ही है ना। प्योर कहीं चलता है लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। कोई नहीं, तो ये हमारा सूप, नहीं नहीं बस बस बस,
तुम्हारा सूप आ गया है एंड वी आर अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी। तो बोकारो जो है फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है झारखंड में और बोकारो का नाम ही है बोकारो स्टील सिटी। फेमस प्लांट्स होंगे स्टील के बोकारो में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो बोलेंगे हरी भाई आप आए और मिले नहीं। हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रांची में भी हैं और सब हम कॉलेज में ही मिले थे कॉलेज में, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे झारखंड के हैं। बट वक्त के साथ साथ क्या होता है ना कि आप लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो, इतने काम में इतने बिजी हो जाते हो कि मिलना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अभी मैंने अब कॉल करना शुरू कर दिया है अपने दोस्तों को। सूप आया है काफी बढ़िया दिख रहा है, भैया कह रहे थे होता नॉर का ही है लेकिन थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ बढ़िया दिख रहा है, ये स्टिक्स भी हैं, ये बटर है और ये सॉल्ट पेपर। ये सूप काफी बढ़िया लग रहा है, प्रॉपर पेपर वगैरह डाल के लाए हैं, गले के लिए काफी बढ़िया है। तो भाई साहब अभी 8 बज रहा है और अभी हम आ गए हैं बोकारो स्टील सिटी। अभी बी कूप में हूँ, फिलहाल खाली है एंड ई कूप में जो है अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं और तो मैं अभी हूँ बी कूप में, देखते हैं आता है कि नहीं कोई बी कूप में। ये फैमिली जा रही है, आई थिंक ए में भी जा सकती है। 8:10 पे निकलेंगे और अभी हो रहे हैं 7:59, 10 मिनट का स्टॉप है इधर। कोदरमा में भी कोई आ सकता है, यहाँ से भी मतलब काफी लोग चढ़ रहे हैं सेकंड थर्ड एसी में। ये खाना ले आए पैंट्री से, भारी बाहर ले आए, अंदर से लाने में प्रॉब्लम होती है, मौसम काफी बढ़िया है। तो ये है साउथ ईस्टर्न रेलवे, A1 कोच की हालत देखो, एकदम जनरल डब्बा बना पड़ा है और यहाँ पे एक कैंटीन शॉप भी है, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है। मैं अंदर ही आके बैठ गया हूँ, फिलहाल यहीं पे आराम से बैठते हैं एंड आई थिंक अभी यहाँ कोई आया नहीं है और हमारा डिनर यहीं पे करेंगे। 8:10 पे निकलेंगे, इसके बाद अगला स्टॉप कोदरमा है। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह भी है क्या? आइसक्रीम आएगी थोड़ी देर बाद। चलिए ठीक है, ओके। हमारा डिनर आ चुका है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोमो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो इसका नाम ही है बेसिकली, सुभाष चंद्र जी से कुछ नाता है इसका, जैसे वो मूवी का डायलॉग था ना। तो हाँ यहाँ स्टॉप नहीं है हमारा, पाटीज काफी ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। ये है राइस, ये इन्होंने पुलाव जैसे दिए हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं राइस। ये है हमारा कढ़ाई पनीर और ये है दाल, बहुत टेस्टी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस खाने से, मन कर रहा है भाई जल्दी खाया जाए। ये है हमारी आलू की सब्जी, मेरी फेवरेट ऑफ कोर्स, और ये है कर्ड। ये है पूरा खाना, एक एक करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। तो ये जो है कुछ अलग है, चिली पनीर खा था मैंने लाने को लेकिन वो ला नहीं पाए, तो ये मैंने मंगाया है पनीर की भुर्जी, ठीक है ना, ये भी काफी बढ़िया दिख रही है। स्टार्ट करते हैं पहले पनीर की भुर्जी से, एक्सपेरिमेंटल बेसिस मंगवाई है मैंने, देखते हैं कैसी है। काफी बढ़िया है गाइस, बट आई थिंक थोड़ा सा नमक कम है, लेकिन काफी गर्म है, काफी फ्रेश बन के आई है, काफी हाइजीनिक है, तो इसको पूरे नंबर। ठीक है ट्राई करते हैं ये पनीर, काफी बढ़िया लग रहा है, तो पनीर के साथ एक बार टेस्ट करते हैं। एक नंबर यार, एक नंबर, 9/10, काफी बढ़िया। दिस इज कढ़ाई पनीर और ये है पनीर भुर्जी। ये है दाल, दाल अच्छे से इन्होंने तड़का लगाया है तरीके से, दाल तड़का है इसको मैं कह सकता हूँ ऑफिस, दाल को 10/10, दाल पनीर से बेटर है। ट्राई करते हैं ये, देखते हैं भाई ये कैसा है। वाओ दिस इज ऑल्सो 10/10। ये है ओवरऑल खाना, काफी बढ़िया दिख रहा है, काफी टेस्टी दिख रहा है। तो फटाफट खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज एंड चपातीज काफी गर्म है, फ्रेश बन के आई हैं। खाते खत्म करते हैं, ठंडा हो जाएगा वरना। आ गई हमारी आइसक्रीम बटर स्कॉच, वाकई में खाना बढ़िया था। जनाब खाना खा लिया आपने? नहीं है, खा लीजिए, हमने खा लिया, आप भी खा लीजिए भैया, लेकिन प्रॉपर मतलब यूनिफॉर्म वगैरह में है। अभी बज रहे हैं 10:30 और हम आ गए हैं अभी कोदरमा में। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है गया, और गया आपको पता होगा फेमस है बौद्ध गया के लिए, बहुत अच्छी सिटी है गया एंड मेरे को भी ट्रैवल करना है कभी। तो हाँ भाई बिहार टूरिज्म से कोई देख रहा है तो भाई कुछ कराओ स्पॉन्सर ऑन्सर, तो पक्का पूरा बिहार एक्सप्लोर करेंगे। मैंने लास्ट ईयर यूपी टूरिज्म वालों की तरफ से मुझे आया था इन्विटेशन, तो मैंने यूपी पूरा एक्सप्लोर किया था, देखते हैं भाई बिहार वाले भी कभी करेंगे तो जाएंगे। अभी हम हैं कोदरमा में, ऐसा मौसम है कि आराम से खा के चलो वॉक करो। तो निकलते हैं यहाँ से, तो अभी हो रहा है 10:11, जाते हैं अपनी सीट पे और ये चार्जर को मैं रख लेता हूँ एंड ये बी कूपे खाली करते हैं बिकॉज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसे आया मेरा बेड लगा हुआ था ना, कमाल का बेड लगाया था भैया ने, भाई मज़ा आ गई सोने में नो डाउट। अभी चाय मंगाई है मैंने, कॉफ़ी, अभी बस कानपुर से आगे चल रहे हैं हम, कॉफ़ी आ गई हमारी, हालांकि बिस्किट नहीं देखे गए, पता नहीं हो सकता सुबह सुबह आए हों और मैं सो रहा हूँ, ये भी हो सकता है। एनीवे कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने के बाद एक और झपकी लेंगे। अब अगला स्टॉप सीधा दिल्ली है, ये कॉफ़ी जो देखे गए हैं और ये रेडो मिल्क पाउडर और गर्म पानी।
तो अभी डावा क्रॉस किया हमने, लगभग अराउंड 27 मिनट लेट चल रहे हैं। दिल्ली हम टाइम पे पहुंचेंगे, टाइमिंग बढ़िया है गाइस। मैंने सेकंड एसी का प्राइस नहीं बताया था ना आपको। हाँ, सेकंड एसी का प्राइस 3600 रुपए। अगर मैं बात करूँ थर्ड एसी के प्राइस की तो लगभग अराउंड वही मान के चलो आप 2300-2400। फर्स्ट सेकेंड में 1500 का फर्क है और सेकेंड और थर्ड में 1500 का फर्क है। भैया पूछ रहे थे कि वेज लेंगे नॉन वेज। मैंने कहा वैसे भी तो मैं वेज खाता हूँ और वैसे भी आज से नवरात्रि है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो भैया बोलते हैं अरे अरे फिर तो भाई आप वेज ही लेंगे। मैंने बोला यस। जो पब्लिक भी देख रही है उन सबको हैप्पी नवरात्र, अच्छे से मनाओ। तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है। तो ये इतनी बड़ी फॉइल थी, पूरी फॉइल खोल दी, मुझे इतना 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 बड़ा फॉइल था, ठीक है। फॉइल खोली तो देखो निकला क्या, खुदा पार निकली चुई। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आ चुका है। अभी हो रहे हैं सुबह के 8। तो कॉर्नफ्लेक्स भी लेंगे अभी, गरम मिल्क वो दे जाएंगे। एंड ये है फ्रूट के साथ में कटलेट्स आए हैं और 2 कटलेट दिए हैं, मतलब वेजीज वगैरह कुछ भी नहीं थी इसमें। ये है ब्राउन ब्रेड, ये है केचप, ये है शुगर, यह है जैम, बटर भी दिया है। जैम और बटर का कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया लगता है गाइस मुझे। और इसमें जो है हम कॉर्नफ्लेक्स पिएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल ब्रेकफास्ट। ट्राई करते हैं पहले कटलेट, खाली कटलेट तो पहली बार आए हैं, वरना वेजीज वगैरह तो मिलते ही हैं। करते हैं काफी कटलेट में पनीर भी है, आलू भी है टेस्टी नो डाउट, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी खराब है। 9 तो बनता है भाई 10 में से। तो इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से खा रहा हूँ। बटर लगा लिया है, इसमें जैम लगा लिया है और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। एंड कॉर्नफ्लेक्स जो है वो भर के चले गए। प्योर मिल्क था ये और साथ में शुगर फ्री मैंने दलवा दी है, टैबलेट्स दे रहे हैं शुगर फ्री की। और कटलेट जो है अलग से खाऊंगा। दिस इज ओवरऑल ब्रेकफास्ट, काफी बढ़िया है। अभी ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और यहाँ मैंने देखा यहाँ न्यूज़पेपर्स भी पड़े हैं। तो अभी 11 बज रहा है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गाजियाबाद, ऑलमोस्ट ऑन टाइम है। तो ये हम गाजियाबाद में रुके हुए थे जैसे ही मैं आया बाहर और बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये मैंने रांची से लिया था और सुबह 5 बजे मुझे भूख लगी तो मैंने यही खाया था। अच्छा स्नैक है ये, हेल्दी होता है और बढ़िया होता है। अभी मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, आने वाले कुछ कंटेंट, मतलब अगले महीने के कंटेंट इज वेरी एक्सक्लूसिव, तो आपको अगले महीने के लिए बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक भी देखा है इस मोमेंट, लाइक कर देना इस वाले वीडियो में। लगभग 40 मिनट लेट आए हैं, मतलब आते आते लेट हो गए। अब उतरते हैं। तो ये है 14 नंबर गाइस, मुझे जाना है 1 नंबर। ओके भाई, मज़ा आई इसमें एंड काफ़ी सही था। हाँ 40 मिनट लेट आए बट फिर भी बढ़िया सफ़र था। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आ गया हूँ लाउंज में, आप डाउनलोड कर सकते हो कि कैश ऐप, बुकिंग करते करते अर्निंग भी कर सकते हो, कैशबैक भी अर्न कर सकते हो, कोई शॉपिंग करते करते भी कैशबैक अर्न कर सकते हो, जो अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगले वाले व्लॉग में। बाय।